बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बायोसेंसेस ऑफ फैट्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, हमने उसका कंप्लीट जो मेन पॉइंट थे वो कर लिए हुए हैं। आज के लेक्चर में जस्ट हमने ओवरऑल रिएक्शन देखना है, यानी कि उसकी समरी के बारे में पढ़ना है। जो मेन था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज थोड़ा सा इसके पढ़ लेते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन जो हमने पढ़ा है कि सिंथेसिस हुई थी पाल्मिटेट की एसिटाइल कोएंजाइम से। उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो ये पार्ट वन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ 7-मेरोनाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल, यानी कि 7-एसिटाइल कोएंजाइम प्लस 7-कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 7-ATP से जो बना था वो था 7-मेरोनाइल कोएंजाइम प्लस 7-ATP प्लस 7-फॉस्फेट। फिर पार्ट टू में जो ओवरऑल रिएक्शन हमने देखा है कि 7 साइकिल हमने देखे थे कंडेंसेशन और रिडक्शन, यानी कि 7 एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमने पढ़ी थी, यानी कि वो 7 साइकिल्स थे जो रिपीट हुए थे, 7 बार, हर साइकिल 7 बार रिपीट हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास है कि एसिटाइल कोएंजाइम है और 7-मेरोनाइल कोएंजाइम प्लस 14 NADPH प्लस 14 हाइड्रोजन जो है ये मिल के क्या कर रहे हैं, दे गिव राइज टू पाल्मिटेट प्लस 7-कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 8 कोएंजाइम प्लस 14 NADP प्लस 6H2O। यानी कि ओवरऑल जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं कंडेंसेशन और रिडक्शन के, अब उसका जो निचोड़ है वो ये वाली इक्वेशन है। द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड रिक्वायर एसिटाइल कोएंजाइम एंड द इनपुट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ NADPH। अब जो ओवरऑल रिएक्शन है, यानी कि फैटी एसिड को क्या ज़रूरत थी, एसिटाइल कोएंजाइम की ज़रूरत थी और इनपुट एनर्जी की ज़रूरत थी, और वो इनपुट एनर्जी किसकी फॉर्म में थी, वो ATP की फॉर्म में थी और रिड्यूसिंग पावर की फॉर्म में थी, और वो रिड्यूसिंग पावर है NADPH। अब कंपेरिजन है बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड सिंथेसिस का, कि लोकेशन सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन की क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल है, फैटी एसिड सिंथेसिस की साइटोप्लाज्मिक है, जो इसमें एसाइल करियर, यानी एसाइल करियर को थायोल्स भी बोल रहे हैं, वो क्या थे, बीटा ऑक्सीडेशन में कोएंजाइम ए था, जबकि फैटी एसिड सिंथेसिस में 4' फॉस्फोपेंटीथाइन और सिस्टीन ये थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में साइकिल पढ़ा था उसमें ये दो एसाइल करियर्स थे, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर्स कौन थे, बीटा ऑक्सीडेशन में FADNAD थे और फैटी एसिड सिंथेसिस में NADPH थे। OH इंटरमीडिएट यहाँ पे L है और यहाँ पर D, जबकि इस पे 2 कार्बन प्रोडक्ट और डोनर जो थे वो एसिटाइल कोएंजाइम थे, और एसिटाइल, जबकि फैटी एसिड सिंथेसिस में मेलोनाइल भी था और एसिटाइल कोएंजाइम भी था, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन में जस्ट एसिटाइल कोएंजाइम था। उसके बाद इसकी अगर रेगुलेशन की बात करें तो ये बस आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन उससे जो लास्ट हमने लेक्चर्स देखे थे वो मेन है। अब तक जो हमने पढ़ लिया, आपने अगर आप लोग ये आप रेगुलेशन ना भी करें तो वो कर लें अच्छी से, क्योंकि आपका जो आउटलाइन है उसमें जस्ट आपकी बायोसिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है, रेगुलेशन के बारे में उन्होंने नहीं पूछा हुआ, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये वही सारी बातें हैं। तो रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस में क्या है कि अगर सेल के पास एनर्जी ज़्यादा है तो जो कन्वर्जन है, यानी कि फैटी एसिड ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होगा, और वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, लिपिड और ट्राइग्लिसरॉल। अब जो फैटी एसिड है, जो हम कह रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम है, वो कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसरॉल में, तो ये जो प्रोसेस है वो लिपोजेनेसिस कहलाता है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसरॉल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, देन फिर ये आगे चला जाता है TCA साइकिल में, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम आगे मेलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, फिर वो आगे फैटी एसिटाइल कोएंजाइम में, देन फैटी एसिटाइल कोएंजाइम, फिर आगे ट्राइएसिटाइलग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर होता है। ये रेगुलेशन है फैटी एसिड सिंथेसिस की। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट होता है मेलोनाइल कोएंजाइम में एक एंजाइम की मदद से, और इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। अब हमारे पास जो मेमिलियन एंजाइम है वो रेगुलेट होते हैं एलोस्ट्रिक कंट्रोल और फॉस्फोरिलेशन की वजह से, फिर इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस भी होती हैं, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग्स आती हैं। अगर तो एक्टिव कन्फर्मेशन हो तो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एसोसिएट और क्या मिलता है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम एसोसिएट टू फॉर्म मल्टीमेरिक फिलामेंटियस कॉम्प्लेक्स। एसिटाइल कोएंजाइम की वजह से एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पे ये एक्टिव कन्फर्मेशन है, लेकिन अगर इनएक्टिव कन्फर्मेशन होती है तो जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का, यानी कि जो मोनोमर है बन रहा है, वो डिसोसिएट होता है, लेकिन एक्टिव में वो कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आगे जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल है वो क्या है कि जो पाल्मिटाइल कोएंजाइम है वो एक्ट करता है एज अ फीडबैक, यानी कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम
एक्टिवेटर के तौर पे काम नहीं करता, ये एज अ फीडबैक काम करता है, लेकिन जो सिट्रेट है वो एज अ एक्टिवेटर काम करता है। और सिट्रेट जो है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम में, जब हम कहते हैं कि जब सिट्रेट की अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया में इंक्रीज़ होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम और जो एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सिट्रेट जो है वो बोथ प्रिकर्सर ऑफ साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम, या फिर हम कह लें एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज की जो एक्टिवेशन है उसको भी इंक्रीज़ करता है। तो इस स्लाइड में ये बात लिखी है कि जो पाल्मिटाइल कोएंजाइम है वो फीडबैक इनहिबिटर के तौर पे काम करता है, लेकिन जो सिट्रेट है वो एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। और जब सिट्रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम और एटीपी ज़्यादा हो गया, जब एसिटाइल कोएंजाइम और एटीपी ज़्यादा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, देन जो सिट्रेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो फास्फोरिलेशन है वो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज की वो रेगुलेटेड होती है कुछ हार्मोन्स की वजह से, यानी कि जो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज है उसको कुछ हार्मोन्स एक्टिव करते हैं एज अ ट्रिगर काम करते हैं। वो हार्मोन्स कौन से हैं? एक तो ग्लूकागोन है, दूसरा एपिनेफ्रीन है और तीसरा इंसुलिन है, जो कि उसके फास्फोरिलेशन स्टेट में चेंजिंग्स लाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम को जो है वो रेगुलेट करते हैं। अब ये जो पाथवेज़ हैं ये जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करते हैं। अब जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो कंट्रोल करता है शॉर्ट टर्म बाय इलास्टिक और कोवलेंट मॉडिफिकेशन, यानी कि शॉर्ट टर्म जो है वो किस तरह कंट्रोल कर रहा है कोवलेंट मॉडिफिकेशन और इलास्टिक से, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चेंजिंग्स हैं जीन एक्सप्रेशन में वो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम की वजह से है। यानी कि शॉर्ट टर्म जो है वो कोवलेंट मॉडिफिकेशंस या इलास्टिक मॉडिफिकेशंस की वजह से हैं, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक चेंजिंग्स जीन एक्सप्रेशन में हो रही होती हैं तो वो ज़्यादातर एंजाइम्स की वजह से, मोस्टली जो काम होता है वो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम की वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चेंजिंग्स होती हैं जीन एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे कुछ बताया हुआ है न्यूट्रिशनल स्टेट रेगुलर्स लिपोजेनेसिस का मैंने आपको बता दिया है कि जो एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है एटीपी की फॉर्म में, जो हम कहते हैं स्टोर होता है। अब जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट है किसी भी एनिमल की अगर बात करें तो वो स्टोर हो जाता है, जब उसको कैलोरिक डेफिशिएंसी होती है या जैसे स्टारवेशन हाइबरनेशन की कंडीशन में कुछ एनिमल्स चले जाते हैं तो उनकी बॉडी में फिर वो जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो उसको इस्तेमाल करते हैं जब उनके पास खाने को नहीं होता या जब वो हाइबरनेशन की कंडीशन में चले जाते हैं, तो फिर वो इसी को इस्तेमाल करते हैं, इसी जो उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड हुई होती है चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन है, तो वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो न्यूट्रिशनल स्टेट है ऑर्गेनिज्म की वो एक मेन फैक्टर है रेगुलेट करती है लिपोजेनेसिस को, यानी कि वो एसिटाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करती है ट्राइसाइलग्लिसरॉल में, एंड ट्राइसाइलग्लिसरॉल इज़ द फॉर्म ऑफ फैट्स। अब फैट स्टेट क्या है कि फैट स्टेट हम अब्सॉर्प्टिव स्टेट भी कहते हैं, यानी कि फैट स्टेट वो होती है जब आप कोई भी इंजेक्शन कर रहे हैं कोई खाना खाते हैं तो उसका जो फर्स्ट और होता है पहला जो घंटा है जिसमें डाइजेशन का काम हो रहा है जिसमें इंजेक्शन का काम हो रहा है यानी कि न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर रहे हैं या डाइजेशन हो रही है, तो वो जो कंडीशन होती है वो फैट स्टेट कहलाती है। द रेट इज़ हायर इन द वेल फैट स्टेट इफ़ द डाइट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। तो जब डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है तो लिपोजेनेसिस जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और कुछ और इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होता है, एक तो ग्लूकोज में, दूसरे कुछ और इंटरमीडिएट्स कौन से हैं, पाइरूवेट हो सकते हैं, लैक्टेट हो सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम हो सकते हैं, या मुख्तलिफ जो है एनाबॉलिक फेज हो सकती है। लिपोजेनेसिस कब इंक्रीज़ होता है? जब सुक्रोज जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सुक्रोज इज़ इंक्रीज इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज बिकॉज फ्रुक्टोज बाईपासिस द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कंट्रोल पॉइंट इन ग्लाइकोलाइसिस। तो जब ग्लूकोज की बजाय सुक्रोज बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम लिपोजेनेसिस भी ज़्यादा होती है, वो इसलिए क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज बनाता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं।
उसके अलावा फास्टिंग में भी फैटी एसिड सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आपने कोई हाई डाइट ले लिया या आप कोई डिप्रेस्ड कंडीशन में हैं, यानी कि जैसे आप फास्ट करते हैं तो आप वो पहले खाना खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई कार्बोहाइड्रेट वगैरह स्टोर होते हैं, जब आप खाना नहीं खा रहे, आप कुछ भी नहीं खा रहे पूरा दिन, लेकिन आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टोर्ड फैट्स हैं, वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि अपना आप काम कर सकें, आपकी कंडीशन को वो मेनटेन रखते हैं, आपके जो डायबिटिस मेलिटस है उसको कंट्रोल में रखते हैं, आपको डेफिशिएंसी नहीं होने देते इंसुलिन की। नेक्स्ट जो है वो रोल ऑफ इंसुलिन इन फैटी एसिड सिंथेसिस, यानी कि फैटी एसिड सिंथेसिस में इंसुलिन का क्या रोल होता है। इंसुलिन जो है वो लिपोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है मुख्तलिफ मैकेनिज्म से, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है कि जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है वो सेल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। दूसरा ये जो है अवेलेबिलिटी of both pyruvate for fatty acid synthesis and glycerol 3 phosphate को भी increase करता है, यानी कि ये acetyl coenzyme carboxylase को भी increase कर रहा है insulin। दूसरा ये जो pyruvate है fatty acid synthesis और glycerol 3 phosphate इसको भी increase करता है, और इसकी वजह से fatty acid की जो esterification है, यानी कि fatty acid बहुत ज़्यादा new form में insulin की वजह से बनते हैं। उसके बाद इंसुलिन जो है वो कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कन्वर्ट्स द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज टू द एक्टिव फॉर्म ऑफ एडिपोस टिश्यूज। जो इंसुलिन है इसका एक ये भी काम है कि जो इनएक्टिव फॉर्म में पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज होता है उसको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट करता है, लीवर में ये नहीं करता। फिर वो आगे एसिटाइल कोएंजाइम को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इंसुलिन जो है वो इनहिबिट करता है कैम्प मेडिएटेड लिपोलाइसिस को एडिपोज टिश्यू में, जिसकी वजह से जो रिड्यूस हो जाती है प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड, और वो लिपोजेनेसिस को जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर द इनहिबिटर ऑफ लिपोजेनेसिस। ठीक है, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को क्योंकि ये रिड्यूस करते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड फ्री फैटी एसिड होते हैं और ये लिपोजेनेसिस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा जो कंप्लीट हो गया है बायोसिंथेसिस ऑफ फैट्स, अब फैट्स वाले जो टॉपिक है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है।